राजस्थान में चार मेडिकल कॉलेज के शिलान्यास के अवसर पर एवं पेट्रोकेमिकल्स टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट के लोकार्पण के अवसर पर आज वर्चुअली हमारे बीच में उपस्थित हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी, आज के अवसर पर विशेष उपस्थित राज्य के मुख्यमंत्री आदरणीय अशोक गहलोत जी, भारत सरकार के मंत्रिमंडल के मेरे साथी आदरणीय भूपेंद्र यादव जी, गजेंद्र शेखावत जी, अर्जुन राम मेघवाल जी, कैलाश चौधरी जी, राजस्थान के मेडिकल एंड हेल्थ विभाग के मंत्री आदरणीय डॉक्टर रघु शर्मा जी, आदरणीय वसुंधरा राजे जी, आदरणीय हमारे सांसद रामचरण बोहरा जी, राज्यसभा के सांसद नीरज डांगी जी, यहाँ की विधायिका गंगा देवी जी, हमारे राज्य मंत्री खुबा जी, उपस्थित सभी भाइयों एवं बहनों, आज मोदी जी की ओर से राजस्थान को चार मेडिकल कॉलेज की सौगात मिल रही है। उसके अलावा राजस्थान के युवाओं को पेट्रोकेमिकल्स टेक्नोलॉजी में अभ्यास करने के लिए अपॉर्चुनिटी मिले, उसके लिए पेट्रोकेमिकल्स टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट का लोकार्पण हो रहा है। जब राजस्थान की धरती पर राजस्थान के युवाओं को मेडिकल कॉलेज में पढ़ने का अवसर मिले, अपने मेडिकल कॉलेज में पढ़ने का अवसर मिले, यहाँ के युवाओं को रोजगारी का अवसर के लिए उसको पेट्रोकेमिकल्स टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट के माध्यम से ट्रेनिंग और ट्रेनिंग के माध्यम से रोजगार मिलने का एक नया अवसर ओपन हो रहा है। मुझे आज बताते हुए खुशी हो रही है, मेडिकल सेक्टर एक ऐसा सेक्टर है और पहले सालों में मेडिकल सेक्टर को हेल्थ के साथ नहीं जोड़ा गया था और हेल्थ को डेवलपमेंट के साथ नहीं जोड़ा गया था। डेवलपमेंट के साथ हेल्थ को जोड़ने की शुरुआत मोदी जी ने गुजरात से की है। मुझे याद है मोदी जी को गुजरात में मुख्यमंत्री का ओथ लेने के बाद आज जब 7 अक्टूबर हो रही है तब 20 साल सरकार का हेड होने का 20 साल पूरा हो रहा है, मतलब गवर्नमेंट हेड करने का 20 साल का एक लंबा अनुभव, और उसकी शुरुआत जब गुजरात से हुई थी उस वक्त मोदी जी ने गुजरात में सबका साथ सबका विकास का एक मंत्र दिया था। वो एक ऐसा मंत्र था जो सर्वसमावेशी था। मोदी जी चाहते थे कि गरीब से गरीब लोगों का कल्याण होना चाहिए, गरीब के गरीब लोगों को लगना चाहिए कि सरकार हमारे लिए भी कुछ काम कर रही है और उसका फल उसको मिलना चाहिए, और इसलिए सबका साथ सबका विश्वास, सबका साथ सबका विकास, यानी कि सब लोगों का साथ मिले, सब लोगों को समान अवसर मिले, सब लोगों तक सरकारी योजना का लाभ मिले, सब लोगों तक हेल्थ सुविधा मिले, सब लोगों तक सरकारी योजना पहुंचे, और इस मंत्र से गुजरात में हेल्थ सेक्टर को आगे बढ़ाने की कोशिश हुई थी। मैंने देखा है गुजरात के दूर सुदूर क्षेत्र, हमारे यहां ईस्टर्न पार्ट में उमरगाम से अंबाजी तक जो राजस्थान से छटा हुआ क्षेत्र था, वहां हेल्थ सुविधा नहीं पहुंची थी। वहां हेल्थ सुविधा पहुंचाने के लिए एक क्षेत्र तक एम्बुलेंस कैसे पहुंचे? मां अमृतम योजना, आज आयुष्मान भारत योजना के तहत सारे देश को लाभ मिल रहा है, उसकी शुरुआत जब गुजरात में हुई वो आयुष हो मां अमृतम योजना से हुई। मां अमृतम योजना क्या थी? कोई गरीब व्यक्ति
उसके यहां पैसा नहीं होता है, आर्थिक सुविधा नहीं होती है, और उसको जब कोई बड़ी बीमारी आ जाती है, बीमारी किसी को पूछ के तो नहीं आती है, गरीब को भी यहां भी आती है, अमीर के यहां भी आती है। और उस वक्त मोदी जी ने सोचा था कि गरीब लोगों को भी बेहतर स्वास्थ्य सुविधा मिलनी चाहिए, और गरीब लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधा के लिए मां अमृतम योजना के माध्यम से एक मां कार्ड दिया गया था। ये मां कार्ड से गरीब लोगों को बिना खर्च से राज्य सरकार की तिजोरी से उसका इलाज होता था। आज ये योजना आगे बढ़ के देश में उसका इंप्लीमेंटेशन आयुष्मान भारत योजना के तहत हो रहा है। और ये भी आयुष्मान भारत योजना मोदी केयर योजना के नाम से भी देश में जानी जाती है। ये योजना कैसी है, हमारे यहां राजस्थान में भी उसका इंप्लीमेंटेशन हो रहा है, देश के शेष भागों में उसका इंप्लीमेंटेशन हो रहा है, उसका अमलीकरण हो रहा है। आज तक 2 करोड़ से ज्यादा लोगों को आयुष्मान भारत योजना से 5 लाख तक का इलाज मुफ्त मिलने का अवसर मिला। 5 लाख रुपए का इलाज मुफ्त मिलना यानी कि सरकार उसका खर्च सरकार की तिजोरी से दे दे, एक सामान्य और गरीब लोगों के लिए बहुत बड़ी बात होती है। ये योजना को विस्तार करके एनीवेयर एवरीवेयर मोदी केयर एनीवेयर एवरीवेयर यानी कि राजस्थान के कोई स्टूडेंट यहां से बेंगलोर में पढ़ता हो और उसको कोई वहां ट्रीटमेंट करानी है और वो आयुष्मान भारत का कार्ड है, वहां उसको इलाज मिल जाएगा। एक राज्य कोई मजदूर मजदूरी के लिए दूसरे राज्य में जाते हैं और वहां रहते हैं तो वहां भी उसके पास आयुष्मान भारत कार्ड है, उसका इलाज वहां हो जाता है। इस तरह से मोदी जी ने हेल्थ को डेवलपमेंट के साथ जोड़ के जब उस वक्त सबका साथ सबका विकास की कल्पना की थी, उसका एक भाग ये भी था जिसमें गरीब का पैसा बचे, गरीब के जेब में पैसा बचेगा तो उसका उपयोग अपने जीवन को अपर लाने में भी उपयोगी हो सकता है। वैसे ही उस वक्त मोदी जी ने हेल्थ कवरेज को गरीब लोगों के साथ कैसे जोड़ा, सबका विकास के साथ कैसे जोड़ा, उसका और उदाहरण है। मोदी जी ने गुजरात में चिरंजीवी योजना लागू की थी। ये चिरंजीवी योजना के तहत कोई मां बच्चा को जन्म देता है देती है या तो जब कोई मां के यहां डिलीवरी होती है, कोई बहन के यहां डिलीवरी होती है तो डिलीवरी केवल सरकारी अस्पताल में ही गरीब लोग जाए और इलाज कराए डिलीवरी कराए ऐसा नहीं, लेकिन लोग भागीदारी से और सरकारी अस्पताल में ही नहीं प्राइवेट अस्पताल में भी उस कोई बहन बेटी की डिलीवरी हो और वहां सरकार उसको आर्थिक सहयोग कर दे। इस तरह से हेल्थ सेक्टर को डेवलप किया, हेल्थ सेक्टर को विस्तारा, उसका लाभ धीरे 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 20 साल तक यही सातत्यता से गुजरात से लेके सारे देश में उसका इंप्लीमेंटेशन आज मैं देख रहा हूं। देश में आयुष्मान भारत योजना का अमलीकरण हुआ, गरीबों को इलाज मिलना शुरू हुआ, लेकिन हर गरीब को इलाज सुनिश्चित करने के लिए डॉक्टर चाहिए और डॉक्टर बनाने के लिए मेडिकल कॉलेज चाहिए। देश में 127 मेडिकल कॉलेज आज सक्षम की गई है और बन रही है। राजस्थान में भी 23 मेडिकल कॉलेज को अनुमति दी गई है, उसमें से 4 मेडिकल कॉलेज सिरोही, दौसा, हनुमानगढ़ और बांसवाड़ा का शिलान्यास हो रहा है। 2600 से ज्यादा स्टूडेंट को वहां एडमिशन मिलेगा। हमारे यहां स्वयं का एक हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत तेजी से बढ़ रहा है और ये राजस्थान में 2600 डॉक्टर हर साल बनेंगे और बाहर आएंगे, वो यहां राजस्थान के जनता की सुविधा के लिए स्वास्थ्य के लिए काम करेंगे। आज गुजरात में राजस्थान के बॉर्डर के इलाके के लोग स्वास्थ्य के लिए उसको गुजरात आना पड़ता है, भविष्य में राजस्थान में ही राजस्थान के नागरिकों को ट्रीटमेंट मिल पाएगी, ये सुविधा राजस्थान में हो जाएगी। ऐसा इतना ही नहीं, देश में पहले एक दिल्ली एम्स हुआ करती थी, आज 22 एम्स बन रही है। 22 एम्स के माध्यम से
टर्शरी केयर बेस्ट इलाज देश के नागरिकों को मिले इसके लिए मोदी जी ने सुनिश्चितता की है। और थोड़े दिन पहले आपने देखा होगा लास्ट वीक में मोदी जी ने डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से आयुष्मान डिजिटल प्लेटफॉर्म देश में लॉन्च किया। ये डिजिटल प्लेटफॉर्म से देश के नागरिक को अपने हेल्थ का रिकॉर्ड रखा जाएगा। देश के दूर सुदूर गांव में रहने वाले लोग गरीब हो अमीर हो उसको बेस्ट डॉक्टर की ट्रीटमेंट ये डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से मिलेगी। अगले दिनों में हेल्थ सेक्टर में जो बदलाव हो रहा है ये बदलाव देश को आगे बढ़ाने के लिए देश की प्रगति के लिए जैसा मैंने प्रारंभ में कहा हेल्थ को डेवलपमेंट के साथ जोड़ना बहुत बड़ी बात है। मोदी जी की बहुत बड़ी कल्पना विचार है। जब देश के नागरिक स्वस्थ नहीं होते तो समाज स्वस्थ नहीं होते और जब समाज स्वस्थ नहीं होते तो नेशन स्वस्थ नहीं हो सकता है। ये सोच आज से 20 साल पहले मोदी जी ने मां अमृतम योजना के माध्यम से गुजरात से शुरू की थी और उसका फल आज देश के नागरिकों को मिलना शुरू हो गया है। और अगले दिनों में राजस्थान में इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोकेमिकल टेक्नोलॉजी यहां ये इंस्टीट्यूट का लोकार्पण जब प्रधानमंत्री जी कर रहे तब मुझे बताते हुए खुशी हो रही है। देश में एजुकेशनल इंस्टीट्यूट तो होती है इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट तो होती है लेकिन ये इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट में बच्चे पढ़ते हैं उसका रोजगार कैसे सुनिश्चित किया जाए और ये बच्चे पढ़ के उसको रोजगारी कैसे मिले और एक क्षेत्र में रही इंडस्ट्रीज को उसका कैसे फायदा हो। इसलिए एजुकेशनल इंस्टीट्यूट को इंडस्ट्रीज के साथ कनेक्ट करने की बात आदरणीय मोदी जी ने कही थी। इंस्टीट्यूट टू इंडस्ट्रीज को कनेक्ट करना उसका प्रतिबिंब एज सिपेट इंस्टीट्यूट में हम देख रहे हैं। देश में 42 ऐसी इंस्टीट्यूट चल रही है। पहले जब मोदी जी देश के प्रधानमंत्री नहीं हुआ करते थे उसके समय के पहले की मैं बात बताऊं उस सरकार के फंड पर निर्भर थी। मोदी जी ने आत्मनिर्भरता का मंत्र दिया मोदी जी ने इंस्टीट्यूट टू इंडस्ट्रीज कनेक्ट की बात कही और ये सोच का ये नतीजा निकला। आज ये 42 सिपेट सेंटर इंस्टीट्यूट उसके इलाके में रहने वाली छोटी मोटी इंडस्ट्रीज वो इंडस्ट्रीज का प्रॉब्लम सोल्व करते हैं उसका टेस्टिंग फैसिलिटी देते हैं उसको और कोई प्रोजेक्ट देना है तो ये सिपेट इंस्टीट्यूट को देते हैं और सिपेट इंस्टीट्यूट धीरे धीरे ट्रेनिंग भी देने लगी उसका प्रॉब्लम भी सोल्व करने लगे। छोटी छोटी एमएसएमई होती है तो उसके पास समय नहीं होता है उसके पास इतना फाइनेंशियल सिचुएशन में उसकी स्ट्रॉन्ग नहीं होती है जो रिसर्च में समय लगाए वो प्रोजेक्ट दे देते थे सिपेट में। और आज ये 42 सिपेट आत्मनिर्भर है सेल्फ सस्टेन है उसको सरकार का कोई पैसा नहीं चाहिए वो स्वयं अपना उपार्जन करते हैं और एक साल में 1 लाख स्टूडेंट को ट्रेनिंग 3 महीने 6 महीने 1 साल डिप्लोमा डिग्री PhD तक एजुकेशन देते हैं और उसमें से 95% लोगों को प्लेसमेंट मिल जाता है रोजगारी मिल जाती है। एक देश के प्रधानमंत्री जी की सोच का यह नतीजा है। आज मुझे खुशी हो रही है राजस्थान में 4 मेडिकल कॉलेज का शिलान्यास हो रहा है और युवाओं को रोजगारी देने वाले एक इंस्टीट्यूट का लोकार्पण हुआ है हो रहा है। इस अवसर पर मैं सम्माननीय प्रधानमंत्री जी का स्वागत करता हूं और हमारे साथ वर्चुअली जुड़े हुए सभी महानुभावों का हार्दिक स्वागत करता हूं। धन्यवाद महोदय। अब हम सादर अनुरोध करते हैं माननीय मुख्यमंत्री राजस्थान से कि वे अपना संबोधन करें। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, माननीय राज्यपाल महोदय आदरणीय कैलाश मिश्र जी, माननीय अध्यक्ष लोकसभा श्री ओम बिरला जी, मंत्री स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री मनसुख भाई मांडविया जी, डॉक्टर भारती प्रवीण पवार जी राज्य मंत्री, भगवंत खूबा जी राज्य मंत्री रसायन और
डॉक्टर रघु शर्मा जी, मंत्री चिकित्सा स्वास्थ्य विभाग राजस्थान सरकार, प्रसादी मीणा जी, मंत्री उद्योग, श्रीमती वसुंधरा राजे जी, पूर्व मुख्यमंत्री, श्री गुलाब सिंह कटारिया जी, नेता प्रतिपक्ष, स्वास्थ्य राज्य मंत्री सुभाष गर्ग जी और तमाम उपस्थित हमारे केंद्रीय व राज्य मंत्रिमंडल के सदस्यगण, माननीय सांसदगण, विधायकगण और राजस्थान सरकार और भारत सरकार के तमाम हमारे वरिष्ठ अधिकारीगण, सबसे पहले मैं माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का हार्दिक स्वागत करता हूँ। मुझे खुशी है कि उन्होंने 4 मेडिकल कॉलेज दौसा, हनुमानगढ़, बांसवाड़ा, सिरोही के शिलान्यास करने के लिए और इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोकेमिकल टेक्नोलॉजी का शुभारंभ करने के लिए प्रोग्राम बनाना है का निश्चय किया और आज हमारे बीच में है। मुझे बहुत खुशी है कि मेडिकल के अंदर जो जिस प्रकार से पूरे देश के अंदर एक माहौल बना है पिछले 10 साल से, उसी का परिणाम है आज हम लोग 4 मेडिकल कॉलेज का शिलान्यास करना संभव हुआ। और मैं प्रधानमंत्री जी से कहना चाहूँगा कि राजस्थान वो राज्य बनने जा रहा जहाँ पर 33 जिले हैं और 30 मेडिकल कॉलेज खुलने जा रहे हैं, उसमें 15 तो चालू हो गए हैं और 15 2023 तक चालू हो जाएंगे, उसमें से 4 का आप शिलान्यास करने जा रहे हैं। अगर हम इतिहास में जाएं तो 1947 के अंदर खाली पंडित नेहरू के वक्त में खाली एक SMS जयपुर का जो है सवाई मानसिंह अस्पताल वो मेडिकल कॉलेज खुला था। उसके बाद में लगातार जो ये फैसले हुए हैं UPA गवर्नमेंट हो या NDA गवर्नमेंट हो, ये नई सोच पैदा हुई कि हमें मेडिकल कॉलेज हर जिले में बनाना चाहिए और उसमें हम लोग बहुत आगे बढ़ रहे हैं। और मुझे खुशी है कि जिस गति से ये मेडिकल कॉलेज पूरे देश के अंदर, अभी आपके मंजू भाई बता रहे थे वो बातें मैं आपको रिपीट नहीं करना चाहूँगा, पर अब जो पोस्ट ग्रेजुएशन के अंदर भी सीटें बढ़ाई गई है, MBBS की सीटें बढ़ाई जा रही है, मेडिकल कॉलेज खुल रहे हैं, तो मैं समझता हूँ कि आने वाले वक्त के अंदर हमारे देश के अंदर भी मेडिकल सुविधाओं का जो विस्तार जिसकी सोच आप हम सब की हैं उसमें हम लोग कामयाब हो पाएंगे। एक इस मौके पर मैं निवेदन करना चाहूँगा कि 33 में 30 जिले में खुलने मेडिकल कॉलेज खोल रहे हैं, पर हमारे यहाँ 3 जिले बहुत बैकवर्ड है, जालौर, प्रतापगढ़ और राजसमंद। अगर आप इस मुबारक मौके पर अगर आप सोच सके तो मैं चाहूँगा कि 3 मेडिकल कॉलेज के बारे में आप निर्णय करा सकें जो बच गए हैं, तो राजस्थान में हर जिले में एक मेडिकल कॉलेज खुल पाएगा और एक इतिहास बन जाएगा। इतिहास बनाने में आपकी आज की मुबारक मौके पर मैं समझता हूँ कि जो भूमिका है उसमें एक प्रकार से हमेशा के लिए याद रखा जाएगा। हमारे यहाँ जैसा भी मंत्री भाई बता रहे थे कि मेडिकल में हम लोगों ने काफ़ी ध्यान दिया, शायद आपकी जानकारी में होगा कि हम लोगों ने पिछली बार सरकार हमारी थी तब हमने फ्री मेडिसिन, फ्री टेस्ट प्रारंभ किए थे और अब हमने कैंसर, किडनी व हृदय रोग के बारे में भी हमने दवाओं का निःशुल्क व्यवस्था करी है। MRI, CT स्कैन भी हमारे यहाँ सीनियर सिटीजन के लिए फ्री व्यवस्था कर रखी है। आयुष्मान भारत योजना जो अपनी मेडिकल की है उसको हमने प्रयास किया है कि इसका थोड़ा विस्तार राजस्थान में किया गया। अब राजस्थान पूरे प्रदेशवासियों को हम लोगों ने जिस प्रकार से पहले SECC और NFSA का आपने अभी भी निर्णय किया है, नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट को भी शामिल कर दिया आपने, उसके लिए तो आपका धन्यवाद। और
राजस्थान में एक नया प्रयोग हमने किया है कि हमने इसका और विस्तार कर दिया पूरे प्रदेश वासियों के लिए। ये 5 लाख की योजना लागू हो गई राजस्थान के अंदर, चिरंजीव के नाम से भी है। और इसका बहुत बड़ा असर है क्योंकि सोशल सिक्योरिटी एक प्रकार से टाइम आ गया कि हमें उसको और ज़्यादा आगे बढ़ाना चाहिए, क्योंकि हर व्यक्ति जो है शिक्षा व मेडिकल दो सेक्टर ऐसे हैं जहाँ पर हर व्यक्ति को अधिक से अधिक सोशल सिक्योरिटी के माध्यम से सुविधा मिले, ये हमारा प्रयास होना चाहिए। और मैं समझता हूँ कि उस दिशा में आप आगे बढ़ रहे हैं और मैं समझता हूँ इस दिशा में और जितना संभव होगा वो हम लोग कर पाएंगे। कोरोना के अंदर भी आपको शायद इस बार का एहसास भी है कि राजस्थान ने कोई कमी नहीं रखी थी, जो निर्देश केंद्र सरकार ने दिए थे हमें उनको हमने पूरा फॉलो किया। उसी कारण से हम लोग चाहे मृत्यु दर हो वो बहुत कम रही और रिकवरी रेट भी बहुत अच्छी रही थी। ऑक्सीजन की जो प्रॉब्लम आई थी वो भी हम लोगों ने अब जो है अगर थर्ड वेव की संभावना जो व्यक्त की जा रही है एक्सपर्ट द्वारा, मैं उम्मीद करता हूँ कि अगर सब कुछ ठीक रहा तो हम लोगों ने अच्छी व्यवस्था कर रखी है। करीब 120 प्लांट हमने लगाए हैं ऑक्सीजन प्लांट और 250 मेट्रिक टन जो पहले व्यवस्था थी अब 1000 मेट्रिक टन की व्यवस्था हमने कर रखी है। इस प्रकार से हमने पैकेज भी अच्छा दिया है। तो मेरा निवेदन रहेगा कि इस मेडिकल सेक्टर में जो भारत सरकार की सोच है उसको हम लोग किस प्रकार से आगे बढ़ाएं, जिससे कि और अधिक गति के साथ में हम लोग कैसा ही स्थिति बने देश के अंदर, क्योंकि दुनिया के मुल्कों में जो विकसित राष्ट्र है अमेरिका हो चाहे इंग्लैंड हो वहाँ के हालात भी आप जानते हैं किस प्रकार से है, उनको देखते हुए हम लोग कैसे हम अपनी व्यवस्था करें जिससे कि थर्ड वेव की संभावना समाप्त हो जाए। और इस दिशा में हम लोग सब जागरूक भी हैं और पब्लिक को भी बराबर आगाह करते जाते हैं। इस सीपेट जो जिसका आज आपने उद्घाटन किया है उसके लिए भी मैं आपका बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगा, आपको धन्यवाद दूंगा, क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण संस्थान है जिसका शिलान्यास तो बहुत पहले ही हो गया था और मुझे बताया गया कि ये सीपेट जो है सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ प्लास्टिक इंजीनियरिंग के नाम से, ये जब इंदिरा गांधी जी थे प्राइम मिनिस्टर उस जमाने में यूएनडीपी के साथ में मिलकर के 68 के अंदर इसकी पहली स्थापना चेन्नई में हुई थी और उसके बाद में अलग अलग सेंटर बनाए गए, करीब 43 सेंटर देश भर में काम कर रहे हैं। और मुझे खुशी है कि जयपुर में सीपेट सेंटर के माध्यम से जो प्लास्टिक टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में काम आज प्रारंभ हुआ है, इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोकेमिकल टेक्नोलॉजी का उद्घाटन हुआ है, उसका भी जैसे अभी मंत्री जी बता रहे थे आने वाले वक्त में हमें इसका बहुत बड़ा लाभ मिलेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। इस मौके पर ये भी मैं निवेदन करना चाहूँगा कि आपको शायद याद होगा कि आप ही ने राजस्थान में रिफाइनरी का शुभारंभ किया था 55 के अंदर, आप खुद पधारे थे जब पिछली बार आपके एनडीए फर्स्ट के अंदर, और वो काम आगे बढ़ रहा है, हालांकि कुछ डिले हो गया उसके कारण से, मैंने सुना है कि जो कॉस्ट बहुत बढ़ चुकी है उसकी भी और उसका जो टाइम सेक्टर है वो भी शायद बढ़ रहा है। पर आज के हिसाब के उद्घाटन में जो बच्चे तैयार होंगे मैं उम्मीद करता हूँ कि उसका लाभ हमारे आने वाले वक्त में उस सेक्टर को मिलेगा जो पेट्रोकेमिकल का सेक्टर बन रहा है वहाँ साथ के अंदर, क्योंकि शायद आपको जानकारी है कि रिफाइनरी के साथ में पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स भी साथ में है और उसके लिए भी हम लोगों ने तैयारी पूरी कर रखी है। मैं उम्मीद करता हूँ जल्दी ही आपके सानिध्य में मैं बात करना चाहूँगा अभी जो यहाँ अधिकारी बैठे हुए उनसे भी कि पेट्रोकेमिकल इन्वेस्टमेंट रीजन जो बनेगा वहाँ पर उसके लिए हमने अप्लाई कर रखा है, उसकी जल्दी स्वीकृति मिले जिससे कि रिफाइनरी बनने के साथ साथ में लोग रोजगार मिल सके, इंडस्ट्री आ सके वहाँ पर प्लास्टिक आधारित और एरिया का डेवलपमेंट हो सके। मैं उम्मीद करता हूँ कि उस पर भी आप हमें पूरा सहयोग देंगे। जैसा आप जानते हैं कि वैसे तो राजस्थान के अंदर भी अब पहले वाली बात नहीं रही, आज आपने एक नया इंस्टीट्यूट का जो उद्घाटन किया है ये बहुत ही प्रतिष्ठित संस्थान है और यहाँ पर IIT, MNIT, IIM, AIIMS, SMS, NLU, NIFT अच्छी संस्थान हमारे यहाँ आई है
और मुझे उम्मीद है कि आपके सहयोग से हमें आने वाले वक्त के अंदर भी राजस्थान में जो समस्याएं हमारे समय में आती रहती है, ये हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं, उस पर आप विशेष ध्यान देंगे राजस्थान की भौगोलिक परिस्थितियों को देखते हुए। बिहार राजस्थान देश के अंदर सबसे बड़ा राज्य बन गया है जब से छत्तीसगढ़ बना है, पर पानी हमारे यहाँ मुश्किल 10% है, आबादी 10% है, दूरियाँ बहुत दूर दूर है। कुछ तो आपका खुद का अनुभव भी है गुजरात को लेके हुए, हमारे यहाँ कई तरह के इलाके ऐसे हैं रेगिस्तानी हैं, और जो सर्विस डिलीवरी है एक जिले से दूसरे जिले में और एक गांव से दूसरे गांव में, उस पर हमें पानी हो चाहे बिजली हो, सड़क हो या शिक्षा व्यवस्था हो, वो पहुंचाने में ज़्यादा पैसा खर्च होता है बल्कि अन्य राज्यों के मुकाबले के अंदर। तो मैं निवेदन करूंगा कि 2-3 मेरी छोटी सी सुझाव थे जो मांगे थी, हो सकता है आप उस पर ध्यान देंगे तो मैं समझता हूँ कि राजस्थान के अंदर विकास के अंदर एक और हमें लाभ मिलेगा। जोधपुर में एक तो मेडिकल डिवाइस पार्क की हमने मांग कर रखी है डिपार्टमेंट से बोर नाडा के अंदर, एक कोटा में बल्क फार्मा ड्रग पार्क के लिए जो आपकी स्कीम आपने शायद तय किया है भारत सरकार में, उसमें हम चाहेंगे कि राजस्थान को ये 2 इंस्टीट्यूट मिल जाए तो उसका हमें लाभ मिलेगा। और अंत में मैं कहना चाहूँगा कि हमारे यहाँ RDPL एक कंपनी थी पहले भारत सरकार और स्टेट गवर्नमेंट की जॉइंट वेंचर में दवाएं बनाने की, वो कंपनी बंद पड़ी है कई सालों से। तो हमने मंत्री जी से भी रिक्वेस्ट की है कि भारत सरकार की कुछ देनदारी उसके ऊपर होगी। अभी कोरोना के बाद में जो हालात बने हैं उस पर मैं चाहूँगा कि अगर ये उसमें कुछ सहयोग मिल जाए भारत सरकार का, जो उनकी देनदारी है वो समाप्त हो जाए और ये कंपनी रिवाइव हो जाए राजस्थान के अंदर, तो आने वाले वक्त में कैसी भी स्थिति बने, क्योंकि कोरोना में महसूस किया कि किस प्रकार से दवाइयों की आवश्यकता भी होती है, उसमें हमें लाभ मिल सकता है, ये मैं आपसे मांग करना चाहूँगा। और पुनः मैं अपनी ओर से राजस्थान प्रदेश जनता की ओर से मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ कि आपने मेडिकल कॉलेजेस 4 जिसका शिलान्यास करना आपने तय किया, और एक और इंस्टीट्यूट जो अपनी प्रतिष्ठा बनाए हुए हैं इसको भी आपने CPET के इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोकेमिकल टेक्नोलॉजी का शुभारम्भ करने का आपने निर्णय किया, उसके लिए मैं आपका आभारी हूँ। धन्यवाद, जय हिंद, धन्यवाद। धन्यवाद महोदय। अब माननीय स्पीकर महोदय, लोकसभा से सादर अनुरोध है कि वे अपने उद्बोधन से हमें अनुग्रहित करें। राजस्थान के माननीय मुख्यमंत्री जी, केंद्र सरकार के माननीय स्वास्थ्य एवं रसायन उप मंत्री मनसुख मांडविया जी, केंद्र सरकार के सभी मंत्रीगण, राज्य सरकार के सभी मंत्रीगण, सभी जनप्रतिनिधिगण, विशिष्ट अतिथिगण, राजस्थान के सभी नागरिक बंधुओं, भाइयों और बहनों, इस अवसर पर मैं माननीय प्रधानमंत्री मोदी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं और आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने राजस्थान में 4 नए मेडिकल कॉलेज के शिलान्यास तथा जयपुर में CPET पेट्रोकेमिकल टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट के लोकार्पण समारोह में समय निकालकर राजस्थान की जनता को ये महत्वपूर्ण तोहफा दिया, उसके लिए मैं उनको राजस्थान की जनता की ओर से धन्यवाद देता हूं। सिरोही, हनुमानगढ़, बांसवाड़ा और दौसा में नए मेडिकल कॉलेज का आज शिलान्यास हो रहा है। ये वो इलाके हैं जो आदिवासी इलाके हैं, अविकसित इलाके हैं, उन इलाकों के अंदर चिकित्सा सेवा का लाभ मिलने से यहाँ की जनता को बहुत सहायता मिलेगी। इसी के साथ ही मेडिकल क्षेत्र में इच्छुक विद्यार्थियों को अफोर्डेबल शिक्षा का सपना भी पूरा हो सकेगा। वहीं दूसरी ओर जयपुर में CPET के नए पेट्रोकेमिकल टेक्निकल
इंडस्ट्री इंस्टीट्यूट के उद्घाटन में पेट्रोकेमिकल सेक्टर के कौशल विकास के नए रास्ते खुलेंगे, नए विद्यार्थियों को तकनीकी ज्ञान मिलेगा और राजस्थान में पेट्रोलिंग और प्लास्टिक के क्षेत्र में एक नया कार्य मिलेगा। मेरा मानना है कि यह कदम निश्चित रूप से आत्मनिर्भर भारत के निर्माण में मील का पत्थर साबित होगा। मैं विश्वास व्यक्त करता हूं कि प्रधानमंत्री मोदी नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में नए भारत के निर्माण का जो सपना है वो पूरा होगा और भारत विकास और प्रगति के मार्ग पर इसी ओर चलेगा। मैं इस मौके पर सभी लोगों को विशेष रूप से धन्यवाद दूंगा कि आज राजस्थान के अंदर और देश के अंदर चिकित्सा इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर एक मजबूत कदम बढ़ रहे हैं। केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों सरकार मिलकर कोरोना के बाद हमने चिकित्सा इंफ्रास्ट्रक्चर को बहुत बढ़ाया है और आज देश चिकित्सा इंफ्रास्ट्रक्चर के रूप में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में मजबूत हुआ है, सशक्त हुआ है। आने वाले समय में इन चारों मेडिकल कॉलेज का लाभ भी राजस्थान के दूर दराज जनता को मिलेगा। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी को आज के कार्यक्रम में पधारने के लिए राजस्थान की जनता की ओर से बहुत बहुत साधुवाद देता हूं, बधाई देता हूं, धन्यवाद। बहुत धन्यवाद महोदय। अब परम आदरणीय प्रधानमंत्री जी से करबद्ध अनुरोध है कि वे रिमोट बटन दबाकर सिरोही, हनुमानगढ़, बांसवाड़ा और दौसा के चिकित्सा महाविद्यालयों का एक फिल्म के माध्यम से शिलान्यास करने की कृपा करें। सर्वजन हिताय, सर्वजन सुखाय। यदि किसी व्यक्ति ने इस अवधारणा को सार्वजनिक जीवन में लोक कल्याण के लिए प्रतिबद्धता के साथ अपनाया है तो वो हैं प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी। उनके मुख्यमंत्रित्व काल तथा बीते 7 साल में स्वास्थ्य सेवा के विस्तार तथा सुधार के लिए जितना काम हुआ है उतना पहले कभी नहीं हुआ। भारत सरकार द्वारा चलाई जा रही विश्व की सबसे बड़ी स्वास्थ्य योजना आयुष्मान भारत ने गरीब के जीवन की सबसे बड़ी चिंता दूर की है। इसी प्रकार रोगों की रोकथाम के लिए हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर देश भर में उभर रहे हैं जिसके माध्यम से रोगों की रोकथाम पर जोर दिया जा रहा है। मेडिकल एजुकेशन क्षेत्र में रिफॉर्म से चिकित्सा शिक्षा एवं चिकित्सा कर्मियों की उपलब्धता में व्यापक सुधार हुआ है। माननीय प्रधानमंत्री की कटिबद्धता से देश ने स्वास्थ्य क्षेत्र में अभूतपूर्व आयाम स्थापित किए हैं। किसी भी देश में स्वास्थ्य सेवाओं को उपलब्ध कराने के लिए एक बहुत बुनियादी जरूरत है चिकित्सकों और पैरामेडिकल स्टाफ की उपलब्धता की। एक तरफ देश में मेडिकल एजुकेशन में सीटों की संख्या बढ़ाई जा रही है, वहीं इनमें एडमिशन से लेकर रेगुलेशन तक एक सीमलेस और ट्रांसपेरेंट व्यवस्था बनाई जा रही है। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के ओजस्वी और दूरदर्शी नेतृत्व में भारत में चिकित्सा शिक्षा और स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र में संस्थागत बदलावों के माध्यम से स्वास्थ्य सेवाओं को दूर दराज क्षेत्रों तक पहुंचाने के लिए कार्य किया जा रहा है। नेशनल मेडिकल कमीशन से देश में मेडिकल शिक्षा के विस्तार को गति मिलेगी, उसकी क्वालिटी में सुधार आएगा और करप्शन की शिकायतें दूर होगी। 2013-14 से पहले देश में कुछ मेडिकल कॉलेज थे और उनकी पहुंच में क्षेत्रीय असंतुलन था। इस असंतुलन को दूर करने के लिए जिला चिकित्सालयों को मेडिकल कॉलेज में बदलने का फैसला हमारे लोकप्रिय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने लिया। स्वास्थ्य क्षेत्र में काम करने वालों की उपलब्धता को बढ़ाने, मेडिकल शिक्षा देने के लिए मेडिकल कॉलेज के निर्माण में क्षेत्रीय असंतुलन को दूर करने, जिला अस्पतालों में उपलब्ध संसाधनों का बेहतर उपयोग कराने, स्पेशलिस्ट
और टर्शरी देखभाल की सुविधा सरकारी मेडिकल महाविद्यालयों और अस्पतालों के माध्यम से उपलब्ध कराने की आवश्यकता थी। इस उद्देश्य को लेकर जो योजना बनाई गई, उसके तहत कुल 157 मेडिकल कॉलेज स्वीकृत हुए, जिनमें से 47 शुरू हो चुके हैं। इस योजना के बेहतरीन परिणाम देखने को मिल रहे हैं। आज हमारे देश में 854 की जनसंख्या पर एक डॉक्टर उपलब्ध है। पिछले 7 सालों में मेडिकल कॉलेज की संख्या 1.5 गुना तक बढ़कर 558 हो गई है। वहीं अंडर ग्रेजुएट की सीटों में पिछले 7 साल में 62% और पोस्ट ग्रेजुएट की सीटों में 78% की वृद्धि हुई है। बदलाव की इस लहर का एक बड़ा उदाहरण राजस्थान है। भारत सरकार ने राजस्थान के लिए 23 मेडिकल कॉलेज स्वीकृत किए, जिनमें से 7 मेडिकल कॉलेज बाड़मेर, भरतपुर, भीलवाड़ा, चुरू, डूंगरपुर, पाली और सीकर में शुरू हो चुके हैं। धौलपुर में स्थित मेडिकल कॉलेज में ओपीडी का शिलान्यास हुआ है और मेडिकल कॉलेज शुरू होने की प्रक्रिया में है। शेष 15 मेडिकल कॉलेज अलवर, बारा, बांसवाड़ा, चित्तौड़गढ़, दौसा, जैसलमेर, करौली, नागौर, श्री गंगानगर, सिरोही, बूंदी, सवाई माधोपुर, टोंक, हनुमानगढ़ और झुंझुनू में स्वीकृत किए गए हैं। इनमें से बांसवाड़ा, दौसा, सिरोही और हनुमानगढ़ में स्थित 4 मेडिकल कॉलेज का शिलान्यास माननीय प्रधानमंत्री जी के कर कमलों द्वारा आज हो रहा है। जल्द ही देश के हर प्रदेश, हर प्रांत और हर हिस्से को मिलेंगे नए मेडिकल कॉलेज, जो तैयार करेंगे कुशल डॉक्टरों की ऐसी एक बड़ी फौज, जो देश के हेल्थ केयर सिस्टम को मजबूती प्रदान करके नई ऊंचाइयों तक पहुंचाएंगे। परम आदरणीय प्रधानमंत्री जी से पुनः सादर अनुरोध है कि वे सीपेट इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोकेमिकल टेक्नोलॉजी जयपुर का उद्घाटन रिमोट बटन दबाकर एक फिल्म के माध्यम से करने की कृपा करें। बीस वर्ष यानी 2 दशक, वैसे तो यह अवधि अधिक नहीं जब करना हो भारत जैसे राष्ट्र का नव निर्माण और बनाना हो भव्य भारत। पर कहते हैं ना, जब इरादे हो अटल और विश्वास हो अडिग, तो क्या नामुमकिन है? जी हाँ, इसी नामुमकिन को मुमकिन करने का दूसरा नाम है भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, जिनके नेतृत्व में गत 20 वर्षों से पहले गुजरात और फिर संपूर्ण भारत में अभूतपूर्व गति से और अभूतपूर्व स्तर पर हो रहा है सर्वस्पर्शी विकास। नरेंद्र मोदी जी के विजन के साथ इस विकास यात्रा में हर सेक्टर दे रहा है योगदान। इसमें पेट्रोलियम, पेट्रोकेमिकल्स, पॉलीमर जैसे क्षेत्र की भी है अहम भूमिका। गुजरात में मुख्यमंत्री के तौर पर पेट्रोलियम यूनिवर्सिटी की पहल से लेकर घाटे में दबी सीपेट संस्था को इंडस्ट्री कनेक्ट के विचार के साथ रेवेन्यू जनरेटर बनाने तक, ऐसे सभी कदम माननीय प्रधानमंत्री जी के दूरदर्शी प्रयासों का है नतीजा। गत 7 सालों में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, टैक्स और लेबर रिफॉर्म, नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन, एथेनॉल ब्लेंडिंग जैसे कई कदमों से पेट्रोलियम, पेट्रोकेमिकल सेक्टर लगातार हुआ है मजबूत। ऐसे ही प्रयासों का परिणाम है कि आज आत्मनिर्भर भारत की मिसाल बनकर उभरा है सीपेट। इंडस्ट्री के स्किल वर्कर की जरूरतें और रोजगार का माध्यम बना सीपेट आज 1,850 करोड़ रुपए का दे रहा है राजस्व। गत 6 वर्षों में 12 नए सीपेट केंद्र देश को मिले हैं, जो पॉलीमर फॉर पीपल के संकल्प के साथ लोगों की ईज ऑफ लिविंग बढ़ाने में दे रहे हैं योगदान। कोरोना महामारी के समय पीपीई किट, मास्क आदि की आपूर्ति सुनिश्चित कर सीपेट ने आयात निर्भरता से आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ने में की है मदद। एक नए आत्मविश्वास से भरे सीपेट ने 2024 तक
पेट्रोकेमिकल्स इंडस्ट्रीज को 5 लाख स्किल मैन पावर देने का रखा है लक्ष्य। आज जयपुर में इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोकेमिकल्स टेक्नोलॉजी यानी आईपीटी जयपुर के रूप में सीपेट का एक नया केंद्र राष्ट्र को मिल रहा है। आईपीटी जयपुर पॉलीमर साइंस, इंजीनियरिंग और पेट्रोकेमिकल्स के क्षेत्र में नवाचार को करेगा प्रेरित। हर साल 1000 से अधिक विद्यार्थी ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट एवं पीएचडी जैसे प्रोग्राम से यहां करेंगे अपने सपने साकार। इसका विशेष लाभ मिलेगा राजस्थान के युवा और साथ ही औद्योगिक इकाइयों को। प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट के प्रधानमंत्री जी के विजन को आगे ले जाने के लिए इस केंद्र में रिसर्च को दिया जाएगा बढ़ावा। स्टार्टअप, स्किल इंडिया एवं मेक इन इंडिया जैसे अभियानों को अप्लाइड रिसर्च द्वारा आईपीटी जयपुर देगा नई मजबूती। राजस्थान और सीपेट के लिए आज का दिन है ऐतिहासिक, जब आईपीटी जयपुर को प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं देश को समर्पित। अब परम आदरणीय प्रधानमंत्री जी से अनुरोध है कि वे अपने आशीर्वचनों से हम सबका मार्गदर्शन करें। नमस्कार। राजस्थान की धरती के सपूत और भारत की सबसे बड़ी पंचायत लोकसभा के कस्टोडियन हमारे आदरणीय स्पीकर श्रीमान ओम बिरला जी, राजस्थान के मुख्यमंत्री श्रीमान अशोक गहलोत जी, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री श्री मनसुख मंडाविया जी, केंद्रीय मंत्रिमंडल में मेरे अन्य सभी सहयोगी श्रीमान गजेंद्र सिंह शेखावत जी, भूपेंद्र यादव जी, अर्जुन राम मेघवाल जी, कैलाश चौधरी जी, डॉक्टर भारती पवार जी, श्री भगवंत खुबा जी, राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री बहन वसुंधरा राजे जी, नेता विपक्ष गुलाबचंद कटारिया जी, राजस्थान सरकार के अन्य मंत्रीगण, सांसदगण, विधायकगण, कार्यक्रम में उपस्थित अन्य सभी महानुभाव और राजस्थान के मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, 100 साल की सबसे बड़ी महामारी ने दुनिया के हेल्थ सेक्टर के सामने अनेक चुनौतियां खड़ी कर दी और ये महामारी बहुत कुछ सिखाया भी है और बहुत कुछ सिखा रही है। हर देश अपने अपने तरीके से इस संकट से निपटने में जुटा है। भारत ने इस आपदा में आत्मनिर्भरता का, अपने सामर्थ्य में बढ़ोतरी का संकल्प लिया है। राजस्थान में 4 नए मेडिकल कॉलेज के निर्माण के कार्य का प्रारंभ और जयपुर में इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोकेमिकल टेक्नोलॉजी का उद्घाटन इसी दिशा में एक अहम कदम है। मैं राजस्थान के सभी नागरिकों को बहुत बहुत बधाई देता हूं और आज मुझे राजस्थान के इस विशेष कार्यक्रम में वर्चुअली मिलने का मौका मिला है, तो मैं राजस्थान के उस बेटे बेटियों का भी अभिनंदन करना चाहता हूं जिन्होंने ओलंपिक में हिंदुस्तान का झंडा गाड़ने में अहम भूमिका निभाई है। वैसे मेरे राजस्थान के बेटे बेटियों को भी मैं आज फिर से एक बार बधाई देना चाहता हूं। आज जब ये कार्यक्रम हो रहा है तब जयपुर सहित देश के 10 सीपेट सेंटर्स में प्लास्टिक और उससे जुड़े
वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स को लेकर जागरूकता कार्यक्रम भी चल रहा है। इस पहल के लिए भी मैं देश के सभी गणमान्य नागरिकों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। भाइयों और बहनों, साल 2014 के बाद से राजस्थान में 23 नए मेडिकल कॉलेजों के लिए केंद्र सरकार ने स्वीकृति दी थी। इनमें से 7 मेडिकल कॉलेज काम करना शुरू कर चुके हैं और आज बांसवाड़ा, सिरोही, हनुमानगढ़ और दौसा में नए मेडिकल कॉलेज के निर्माण की शुरुआत हुई है। मैं इन क्षेत्रों के लोगों को बहुत बहुत बधाई देता हूं। मैंने देखा है यहां के जो जनप्रतिनिधि रहे हैं, हमारे माननीय सांसद है, उनसे जब भी मुलाकात होती थी तो वो बताते थे कि मेडिकल कॉलेज बनने से कितना फायदा होगा। चाहे सांसद मेरे मित्र भाई कनकमल कटारा जी हो, हमारी सीनियर एमपी बहन जसकोर मीणा जी हो, मेरे पुराने बहुत पुराने साथी भाई निहलचंद चौहान जी हो, या हमारे आधे गुजराती आधे राजस्थानी ऐसे भाई देवजी पटेल हो, आप सभी राजस्थान में मेडिकल इंफ्रा को लेकर काफी जागरूक रहे हैं। मुझे विश्वास है इन नए मेडिकल कॉलेज का निर्माण राज्य सरकार के सहयोग से समय पर पूरा होगा। साथियों, हम सभी ने देखा है कि कुछ दशक पहले देश की मेडिकल व्यवस्थाओं का क्या हाल था। 2001 में, आज से 20 साल पहले, जब मुझे गुजरात ने मुख्यमंत्री के तौर पर सेवा का अवसर दिया तो हेल्थ सेक्टर की स्थिति वहां की भी बहुत चुनौतियों से भरी हुई थी। चाहे वो मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर हो, मेडिकल शिक्षा हो या फिर इलाज की सुविधाएं हो, हर पहलू पर तेजी से काम करने की जरूरत थी। हमने चुनौती को स्वीकारा और मिलकर स्थितियों को बदलने की कोशिश की। गुजरात में उस समय मुख्यमंत्री अमृतम योजना के तहत गरीब परिवारों को 2 लाख रुपए तक के मुफ्त इलाज की सुविधा शुरू की गई थी। गर्भवती महिलाओं को अस्पतालों में डिलीवरी के लिए चिरंजीवी योजना के तहत प्रोत्साहित किया गया, जिससे माताओं और बच्चों का जीवन बचाने में बहुत अधिक सफलता मिली। मेडिकल शिक्षा के मामले में भी बीते 2 दशकों के अथक प्रयासों से गुजरात ने मेडिकल सीटों में लगभग 6 गुना वृद्धि दर्ज की है। साथियों, मुख्यमंत्री के रूप में देश के हेल्थ सेक्टर की जो कमियां मुझे अनुभव होती थी, बीते 6-7 सालों से उनको दूर करने की निरंतर कोशिश की जा रही है। और हम सबको मालूम है हमारा संविधान के तहत जो फेडरल स्ट्रक्चर की व्यवस्था है उसमें हेल्थ ये राज्य का विषय है, राज्य की जिम्मेवारी है। लेकिन मैं राज्य का मुख्यमंत्री रहा लंबे समय तक, तो क्या कठिनाइयां हैं मुझे मालूम थी। तो मैंने भारत सरकार में आकर के, भले दायित्व राज्य का हो तो भी उसमें बहुत सारे काम करने चाहिए भारत सरकार ने, और उस दिशा में हमने प्रयास शुरू किया। हमारे यहां एक बड़ी समस्या ये थी कि देश का हेल्थ सिस्टम बहुत ही अधिक टुकड़ों में बटा हुआ था। अलग अलग राज्यों के मेडिकल सिस्टम में राष्ट्रीय स्तर पर कनेक्टिविटी और कलेक्टिव अप्रोच का अभाव था। भारत जैसे देश में जहां बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं
राज्य की राजधानियां या कुछ मेट्रो सिटीज तक ही सीमित थी, जहां गरीब परिवार रोजगार के लिए एक राज्य से दूसरे राज्य जाते हैं, वहां राज्य की सीमाओं तक सिमटी स्वास्थ्य योजनाओं से बहुत लाभ नहीं हो पा रहा था। इसी प्रकार प्राइमरी हेल्थ केयर और बड़े अस्पतालों में भी एक बहुत बड़ा गैप नजर आता था। हमारी पारंपरिक चिकित्सा पद्धति और आधुनिक चिकित्सा पद्धति के बीच भी तालमेल की कमी थी। गवर्नेंस की इन कमियों को दूर किया जाना बहुत जरूरी था। देश के स्वास्थ्य सेक्टर को ट्रांसफॉर्म करने के लिए हमने एक राष्ट्रीय अप्रोच, एक नई राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति पर काम किया। स्वच्छ भारत अभियान से लेकर आयुष्मान भारत और अब आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन तक, ऐसे अनेक प्रयास इसी का हिस्सा है। आयुष्मान भारत योजना से ही अभी तक राजस्थान के लगभग 3.5 लाख लोगों का मुफ्त इलाज हो चुका है। गांव देहात में स्वास्थ्य सुविधाओं को मजबूत करने वाले लगभग 2500 हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर आज राजस्थान में काम करना शुरू कर चुके हैं। सरकार का जोर प्रिवेंटिव हेल्थ केयर पर भी है। हमने नया आयुष मंत्रालय तो बनाया ही है, आयुर्वेद और योग को भी निरंतर बढ़ावा दे रहे हैं। भाइयों और बहनों, एक और बड़ी समस्या मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर के निर्माण की धीमी गति की भी रही है। चाहे एम्स हो, मेडिकल कॉलेज हो या फिर एम्स जैसे सुपर स्पेशलिटी अस्पताल हो, इनका नेटवर्क देश के कोने कोने तक तेजी से फैलाना बहुत जरूरी है। आज हम संतोष के साथ कह सकते हैं कि 6 एम्स से आगे बढ़कर आज भारत 22 से ज्यादा एम्स के सशक्त नेटवर्क की तरफ बढ़ रहा है। इन 6-7 सालों में 170 से अधिक नए मेडिकल कॉलेज तैयार हो चुके हैं और 100 से ज्यादा नए मेडिकल कॉलेज पर काम तेजी से चल रहा है। साल 2014 में देश में मेडिकल की अंडर ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट की कुल सीटें 82,000 के करीब थी। आज इनकी संख्या बढ़कर 1,40,000 सीट तक पहुंच रही है। यानी आज ज्यादा नौजवानों को डॉक्टर बनने का मौका मिल रहा है। आज पहले से कहीं अधिक नौजवान डॉक्टर बन रहे हैं। मेडिकल एजुकेशन की इस तेज प्रगति का बहुत बड़ा लाभ राजस्थान को भी मिला है। राजस्थान में इस दौरान मेडिकल सीटों में 2 गुनी से भी अधिक बढ़ोतरी हुई है। यूजी सीटें 2000 से बढ़कर 4000 से ज्यादा हुई हैं। पीजी सीटें राजस्थान में 1000 से भी कम थी, आज पीजी सीटें भी 2100 तक पहुंच रही हैं। भाइयों और बहनों, आज देश में प्रयास ये है कि हर जिले में एक मेडिकल कॉलेज या फिर पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल एजुकेशन देने वाला कम से कम एक संस्थान जरूर हो। इसके लिए मेडिकल शिक्षा से जुड़ी गवर्नेंस से लेकर दूसरी नीतियां, कानूनों, संस्थानों में बीते वर्षों के दौरान
बड़े रिफॉर्म्स किए गए हैं। हमने देखा है कि पहले जो मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया एमसीआई थी, किस तरह उसके फैसलों पर सवाल उठते थे, भांति भांति के आरोप लगते थे, पार्लियामेंट में भी घंटों उसकी बहस होती थी, पारदर्शिता के विषय में सवाल या निशान आते थे। इसका बहुत बड़ा प्रभाव देश में मेडिकल शिक्षा की क्वालिटी और हेल्थ सर्विसेज की डिलीवरी पर पड़ा रहा। बरसों से हर सरकार सोचती थी कुछ करना चाहिए, बदलाव करना चाहिए, कुछ निर्णय करना चाहिए, लेकिन नहीं हो पा रहा था। मुझे भी ये काम करने में बहुत मुश्किलें आई। संसद में कई पिछली सरकार के समय करना चाहता था, नहीं कर पाता था। इतने ग्रुप इतने बड़े अड़ंगे डालते थे, बड़ी मुसीबतों से आखिरकार हुआ। हमें भी इसे ठीक करने के लिए बहुत मशक्कत करनी पड़ी है। अब इन व्यवस्थाओं का दायित्व नेशनल मेडिकल कमीशन के पास है। इसका बहुत बेहतर प्रभाव देश के हेल्थ केयर, ह्यूमन रिसोर्स और हेल्थ सर्विसेज पर दिखना शुरू हो गया है। साथियों, दशकों पुराने हेल्थ सिस्टम में आज की आवश्यकताओं के अनुसार बदलाव जरूरी है। मेडिकल एजुकेशन और हेल्थ सर्विस डिलीवरी में जो गैप था, उसको लगातार कम किया जा रहा है। बड़े अस्पताल, चाहे वो सरकारी हो या प्राइवेट, अनेक उनके संसाधनों का नए डॉक्टर, नए पैरामेडिक तैयार करने में ज्यादा से ज्यादा उपयोग हो, इस पर सरकार का बहुत जोर है। 3-4 दिन पहले शुरू हुआ आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन देश के कोने कोने तक स्वास्थ्य सेवाओं को पहुंचाने में बहुत मदद करेगा। अच्छे अस्पताल, टेस्टिंग लैब्स, फार्मेसी, डॉक्टरों से अपॉइंटमेंट, सभी एक क्लिक पर होगा। इससे मरीजों को अपना हेल्थ रिकॉर्ड संभाल कर रखने की भी एक सुविधा मिल जाएगी। भाइयों और बहनों, स्वास्थ्य सेवा से जुड़ी स्किल मैन पावर का सीधा असर प्रभावी स्वास्थ्य सेवाओं पर होता है। इसे हमने इस कोरोना काल में और ज्यादा महसूस किया है। केंद्र सरकार के सबको वैक्सीन, मुफ्त वैक्सीन अभियान की सफलता इसी का प्रतिबिंब है। आज भारत में कोरोना वैक्सीन की 88 करोड़ से अधिक डोज लग चुकी है। राजस्थान में भी 5 करोड़ से अधिक वैक्सीन डोज लग चुकी है। हजारों सेंटर्स पर हमारे डॉक्टर्स, नर्सेस, मेडिकल स्टाफ लगातार वैक्सीनेशन करने में जुटे हैं। मेडिकल क्षेत्र में देश का यह सामर्थ्य हमें और बढ़ाना है। गांव और गरीब परिवारों से आने वाले युवाओं के लिए सिर्फ अंग्रेजी भाषा में मेडिकल और टेक्निकल एजुकेशन की पढ़ाई एक और बाधा रही है। अब नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत हिंदी और दूसरी भारतीय भाषाओं में मेडिकल की पढ़ाई का भी मार्ग बना है। राजस्थान के गांव की गरीब परिवार की माताओं ने अपनी संतानों के लिए जो सपने देखे हैं, वो अब और आसानी से पूरे होंगे। गरीब का बेटा भी, गरीब की बेटी भी, जिसको अंग्रेजी स्कूल में पढ़ने का मौका नहीं मिला है, वो भी अब डॉक्टर बनकर के मानवता की सेवा करेगी।
आवश्यक ये भी है कि मेडिकल शिक्षा से जुड़े अवसर समाज के हर हिस्से हर वर्ग को समान रूप से मिले। मेडिकल शिक्षा में ओबीसी और आर्थिक रूप से कमजोर सामान्य वर्ग के युवाओं को आरक्षण देने के पीछे भी यही भावना है। साथियों, आजादी के इस अमृत काल में उच्च स्तर का कौशल न सिर्फ भारत की ताकत बढ़ाएगा बल्कि आत्मनिर्भर भारत के संकल्प को सिद्ध करने में भी बड़ी भूमिका निभाएगा। सबसे तेजी से विकसित हो रहे उद्योगों में से एक पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री के लिए स्किल मैनपावर आज की आवश्यकता है। राजस्थान का नया इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोकेमिकल टेक्नोलॉजी इस क्षेत्र में हर साल सैकड़ों युवाओं को नई संभावनाओं से जोड़ेगा। पेट्रोकेमिकल्स का उपयोग आजकल एग्रीकल्चर, हेल्थ केयर और ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री से लेकर जीवन के अनेक हिस्सों में बढ़ रहा है। इसलिए स्किल युवाओं के लिए आने वाले वर्षों में रोजगार के अनेक अवसर बनने वाले हैं। साथियों, आज जब हम इस पेट्रोकेमिकल संस्थान का उद्घाटन कर रहे हैं तो मुझे 13-14 साल पहले के वो दिन भी याद आ रहे हैं जब गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में गुजरात में हमने पेट्रोलियम यूनिवर्सिटी के आइडिया पर काम शुरू किया था। तब कुछ लोग इस आइडिया पर हंसते थे कि आखिर इस यूनिवर्सिटी की जरूरत क्या है, यह क्या कर पाएगी, इसमें पढ़ने के लिए छात्र छात्राएं कहां से आएंगे। लेकिन हमने इस आइडिया को ड्रॉप नहीं किया। राजधानी गांधीनगर में जमीन तलाशी गई और फिर पंडित दीनदयाल पेट्रोलियम यूनिवर्सिटी पीडीपीयू इसकी शुरुआत हुई। बहुत ही कम समय में पीडीपीयू ने दिखा दिया है कि उसका सामर्थ्य क्या है। पूरे देश के विद्यार्थियों में वहां पढ़ने की होड़ लग गई। अब इस यूनिवर्सिटी के विजन का और विस्तार हो चुका है। अब ये पंडित दीनदयाल एनर्जी यूनिवर्सिटी पीडीईयू की के रूप में जानी जाती है। इसी तरह के संस्थान अब भारत के युवाओं को क्लीन एनर्जी के लिए, इनोवेटिव सॉल्यूशंस के लिए आविष्कार का मार्ग दिखा रहे हैं, उनकी एक्सपर्टीज बढ़ा रहे हैं। साथियों, बाड़मेर में राजस्थान रिफाइनरी प्रोजेक्ट पर भी तेजी से काम जारी है। इस प्रोजेक्ट पर 70,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का निवेश किया जा रहा है। इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोकेमिकल टेक्नोलॉजी से पढ़कर निकलने वाले प्रोफेशनल्स के लिए ये प्रोजेक्ट बहुत से नए मौके बनाएगा। राजस्थान में जो सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन का काम हो रहा है उसमें भी युवाओं के लिए बहुत संभावनाएं हैं। 2014 तक राजस्थान के सिर्फ एक शहर में सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन की मंजूरी थी। आज राजस्थान के 17 जिले सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क के लिए अधिकृत किए जा चुके हैं। आने वाले वर्षों में राज्य के हर जिले में पाइप से गैस पहुंचाने का नेटवर्क होगा। भाइयों और बहनों, राजस्थान का एक बड़ा हिस्सा रेगिस्तानी तो है ही, सीमावर्ती भी है। कठिन भौगोलिक परिस्थितियों के कारण हमारी माताएं बहनें बहुत सी चुनौतियों का सामना करती रही है। अनेक वर्षों तक
मैं राजस्थान के दूर दराज के क्षेत्रों में आता जाता रहा हूं। मैंने देखा है कि शौचालय, बिजली और गैस कनेक्शन के अभाव में माताओं बहनों को कितनी मुश्किलें आती थी। आज गरीब से गरीब के घर शौचालय, बिजली और गैस का कनेक्शन पहुंचने से जीवन बहुत आसान हुआ है। पीने का पानी तो राजस्थान में एक प्रकार से आए दिन माताओं बहनों के धैर्य की परीक्षा लेता है। आज जल जीवन मिशन के तहत राजस्थान के 21 लाख से अधिक परिवारों को पाइप से पानी पहुंचना शुरू हुआ है। हर घर जल अभियान राजस्थान की माताओं बहनों बेटियों के पैरों में जो सालों साल छाले पड़ते हैं उन पर मरहम लगाने का एक छोटा पर ईमानदार प्रयास है। साथियों, राजस्थान का विकास भारत के विकास को भी गति देता है। जब राजस्थान के लोगों को गरीब की, मध्यम वर्ग की सहूलियत बढ़ती है, उनकी ईज ऑफ लिविंग बढ़ती है, तो मुझे भी संतोष होता है। बीते 6-7 वर्षों में केंद्र की आवास योजनाओं के माध्यम से राजस्थान में गरीबों के लिए 13 लाख से अधिक पक्के घर बनाए गए हैं। पीएम किसान सम्मान निधि के तहत राजस्थान के 74 लाख से ज्यादा किसान परिवारों के बैंक खाते में लगभग 11,000 करोड़ रुपए सीधे किसान के खाते में ट्रांसफर हुए हैं। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत राज्य के किसानों को 15,000 करोड़ रुपए से अधिक का क्लेम भी दिया गया है। साथियों, बॉर्डर स्टेट होने के नाते कनेक्टिविटी और बॉर्डर एरिया डेवलपमेंट को प्राथमिकता का लाभ भी राजस्थान को मिल रहा है। नेशनल हाईवे का निर्माण हो, नई रेलवे लाइनों का काम हो, सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन हो, दर्जनों प्रोजेक्ट्स पर तेजी से काम जारी है। देश के रेलवे को ट्रांसफॉर्म करने जा रहे डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर का भी बड़ा हिस्सा राजस्थान से और गुजरात से है। इसका काम भी नए रोजगार की अनेक संभावनाएं बना रहा है। भाइयों और बहनों, राजस्थान का सामर्थ्य पूरे देश को प्रेरणा देता है। हमें राजस्थान के सामर्थ्य को भी बढ़ाना है और देश को भी नई ऊंचाइयों पर पहुंचाना है। ये हम सबके प्रयास से ही संभव है, सबका प्रयास। ये आजादी के 75 वर्ष में हमने ये सबका मई प्रयास इस मंत्र को लेकर के और ज्यादा ताकत से आगे बढ़ना है। भारत की आजादी का यह अमृत काल राजस्थान के विकास का भी स्वर्णिम काल बने, ये हमारी शुभकामनाएं हैं। और अभी जब मैं राजस्थान के मुख्यमंत्री जी को सुन रहा था तो उन्होंने एक लंबी सूची कामों की बता दी। मैं राजस्थान के मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद करता हूं कि उनका मुझ पर इतना भरोसा है। और लोकतंत्र में यही बहुत बड़ी ताकत है। उनकी राजनीतिक विचारधारा पार्टी अलग है, मेरी राजनीतिक विचारधारा पार्टी अलग है, लेकिन अशोक जी का मुझ पे जो भरोसा है उसी के कारण आज उन्होंने दिल खोल करके बहुत सी बातें रखी हैं। ये दोस्ती, ये विश्वास, ये भरोसा, ये लोकतंत्र की बहुत बड़ी ताकत है। मैं फिर एक बार राजस्थान के लोगों का हृदय से अभिनंदन करता हूं, बहुत बहुत बधाई देता हूं, धन्यवाद। हम परम आदरणीय प्रधानमंत्री जी का और आप सभी महानुभावों का इस कार्यक्रम में सम्मिलित होने के लिए
हृदय से धन्यवाद ज्ञापन करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।